तो हम करने वाले हैं बिग ब्रेन रिडल सॉल्व, जो कि 99.9999% भारतीय नहीं कर पाते हैं, और हम कितने स्मार्ट है ये पता चल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज सना ने उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी है। वाओ। उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। सबसे पहले कोमल आती है तो अच्छा? देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। ओह माय गॉड। तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। ओके, डिटेक्टिव मेहुल इज बैक। क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहाँ रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। ओके, समझ गया। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, रोहन लेकिन ऑफिस से था। निकलने में थोड़ी देरी हो गई। ओके, राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है। ओके, और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? ओके, सना का जो मर्डर हुआ इन तीनों में से किसी एक ने करा है। सना के नीचे ये 3 चीजें दबी हुई थी। मुझे लगता है कि ये वाला जो बंदा है राहुल था ना, व्हाइट वाला, इसने बोला था कि ये तो सबसे पहले आने वाला था लेकिन ऑफिस में इसको देर हो गई। तो क्या ये जो जूता है ये इसका हो सकता है? ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। कोई सेंस है इस बात की? एक सेकंड। अच्छा, ये लिख भी देखो कैसे रहे हैं। ये राइट हैंड से लिख रही है, ये भी राइट हैंड से लिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड। ओह, ये देखो, ये किताब लेफ्ट हैंड से लिखने के लिए नहीं, ये क्या ही बोल रहा हूँ मैं, नहीं लेफ्ट हैंड वाला भी कोई लॉजिक नहीं है इसमें। एक सेकंड। हाँ, ये जो दस्ताना है ये दोनों राइट हैंडेड है, और ये वाला जो ग्लव है, ये ग्लव ये राइट हैंड का ग्लव है, लेफ्ट हैंड का ग्लव है, ये लेफ्ट हैंड का ग्लव हुआ ना ऐसे, तो ये लेफ्टी है, ये हुआ मर्डरर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट स्लीपर, लेफ्ट ग्लव्स और लेफ्ट शूज। ओह माय गॉड। और इन तीनों में रोहन लेफ्टी है। तो मेहुल समझ जाता है कि सना ने रोहन के लिए क्लूज छोड़े थे। रोहन के लिए क्लूज छोड़े थे, मतलब वो लड़की सना जिसका मर्डर हुआ, वो मरने से पहले अपने नीचे उसकी चीजें दबा के मर गई कि इसने मारा है, याद देख लेना ये लेफ्टी है। थैंक यू। चलिए बताइए, अगर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 10 रुपए का आता है तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने का आएगा? 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, यानी कि उसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, वो है 10 रुपए का। अब 2 मीटर लेंथ है और 2 मीटर उसकी ब्रेड्थ है, तो उसका एरिया हो गया 4 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही बोला ना, तो वो कितने का होगा? वो इंटू 4 यानी कि 40 रुपए का होगा, 40 रुपए का, अगर वो 10 ही लिखा हुआ है तो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 40। छोटे वाले कपड़े का एरिया 1 है और 10 रुपए का है, बड़े वाले कपड़े का एरिया 2 × 2 = 4 है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपए हुआ तो 4 मीटर स्क्वायर का दाम 40 रुपए हो जाएगा। I am so clever, I am so smart. क्लास 3 का बच्चा भी कर देता ये तो सॉल्व। आई मीन मेरी पूरी ऑडियंस कर लेती सॉल्व। देख रहे हो कैसे सेल्फ रोस्ट कर रहा हूँ, देख रहे हो आप? चलिए मैं अब आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 पहेलियाँ पूछता हूँ। ओके। अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आ गई थी, ठीक है, पूरा आगरा डूब गया था लेकिन ताजमहल बच गया, बताओ कैसे? अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आ गई, पूरा आगरा डूब गया लेकिन ताजमहल बच गया। आगरा में ताजमहल लिखा तो इसमें कुछ गलत नहीं है मेरे को लग रहा है ना, मैं से लिखने में कुछ इसने तेजी दिखाई है मेरे को जो लग रहा है। आगरा में बाढ़ आई, पूरा आगरा डूब गया, यही लिखा है ना? हाँ, लेकिन ताजमहल बच गया कैसे? क्योंकि ताजमहल इसके कुछ शब्दों में है मेरे को लग रहा है, कुछ खेल शब्दों का खेल है ये। आगरा में भयंकर बाढ़ आई, पूरा आगरा डूब गया लेकिन ताजमहल बच गया, क्योंकि ताजमहल को स्विमिंग आती थी। प्लीज डोंट टेल मी इसका आंसर यही है। ताजमहल अकबर के समय नहीं, शाहजहां के समय बना था। माय गॉड, ये बात थी। मैंने तुम्हें बोला ना शब्दों का खेल है, मैं ऊपर की लाइन पढ़ ही नहीं रहा था, मैं यहीं से शुरू कर रहा था। आगरा में बाढ़ आई, आगरा डूब गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अकबर के समय आगरा में बाढ़ आई। ओ, मुझे तो लगा इसका आंसर होगा ताजमहल को स्विमिंग आती थी। चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे देने पे वो आपकी नहीं रहती? आपकी क्या ऐसी चीज है जिसे देने से वह आपकी नहीं होती? टेंशन।
जब मैं दूसरों को टेंशन देता हूँ फिर वो मेरी नहीं रहती, वो उनकी हो जाती है। या फिर दिल, इसका आंसर दिल है। जब आप अपना दिल किसी को दे देते हैं तो वह आपका नहीं होता। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। ऐसे ही कुछ आंसर होगा इसका। टेंशन, दिल, ब्लड प्रेशर, आपकी क्या चीज है जिसे देने से वह आपकी नहीं होती। जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करता हूँ तो फिर वो प्लांट्स की हो जाती है, फिर वो मेरी नहीं रहती। क्या बोल रहा हूँ मैं यार। और इसका सही जवाब है सीक्रेट। सीक्रेट, आपका सीक्रेट ऐसी चीज है जिसे देने से वह आपका नहीं होता। आपका सीक्रेट देने से आपका नहीं होता। आपने सीक्रेट किसी को बता दिया तो वो आपका थोड़ी ना रहेगा। अरे चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में चाहे जितनी भी भीग जाए लेकिन गीली नहीं हो सकती। पानी। क्योंकि पानी बारिश में जितना मर्जी भीग जाए गीला नहीं हो सकता। प्लास्टिक, प्लास्टिक पे पानी ऐसे करके बह जाता है, वो गीला नहीं होता। बारिश में भीगे तो गीली नहीं हो सकती। क्या चीज है ऐसी, पता नहीं। प्लास्टिक, सिंपल है, इसका सही जवाब है पानी। मैंने सही बोला था पानी यार। अरे अबे भाई। सच में इसका आंसर पानी था जी। एक अंडा उबलने में 10 मिनट का समय लगता है तो दो okay. अंडे उबलने में कितना समय लगेगा। एक अंडा उबलने में 10 मिनट का समय लगता है तो दो अंडे उबलने में भी तो 10 मिनट ही लगेंगे। अबे यार ये तो फालतू है। नहीं, लेकिन दो अंडे उबलने में 20 मिनट भी लग सकते हैं अगर मैं एक अंडा उबल जाने के बाद दूसरा अंडा उबालू। 10 मिनट ही लगेंगे सरकार। सिंपल है, 10 मिनट ही लगेगा। अच्छा, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। चलिए अब कल्पना कीजिए कि आप ऐसे कमरे में हैं जो बिल्कुल अंधेरे में है और उसमें कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है जिससे आप बाहर आ सके। अब ऐसे कमरे से आप कैसे बाहर आएंगे। कल्पना करना बंद कर दूंगा, पक्का आंसर यही है। पक्का, ये तो कल्पना करनी बंद कर दी। ओ माय गॉड, यही है इसका आंसर। आप कल्पना करना बंद कर दीजिए, अगली पहेली देखते हैं। यार मेरा फेवरेट चैनल है माइंड योर लॉजिक। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें किसने टिकट नहीं ली है। इसमें किसने टिकट नहीं ली है। ये उर्वशी रौतेला ने तो ली होगी पक्का। ये उर्वशी रौतेला जैसी क्यों लग रही है। ये ऋषभ पंत। I mean, उनकी एज के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, मजाक था भाई। इस बात पे भी कुछ कैसे लिख दिया। इस बच्चे ने नहीं लिया टिकट। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, वो मुझे पता था बट मैं थोड़ा सा उर्वशी जी को देख रहा था। पता है मुझे आंसर, आई ऑलरेडी न्यू, देखते के साथ ही एकदम पता था। पहले तो ये छोटा ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन में जाने के लिए आपको कॉइन लेना ही पड़ता है। मतलब बड़ों में तो सबने टिकट ली होगी लेकिन ये बच्चे ने टिकट नहीं ली होगी। इसे टिकट थोड़ी ना लगेगी, मतलब ये बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा है। मुश्किल था। यस, मेरे हिसाब से मेरा कोई गलत हुआ ही नहीं है सिवाय एक भी नहीं। मेरे सारे ही आंसर सही थे। यू नो व्हाई? बिकॉज 99.9999% भारतीय जो है वो फेल हो जाते हैं ये सारी रिडल्स में, लेकिन मेरा ब्रेन बहुत बड़ा है। इसी बात पे लाइक कर दो यार, लाइक करते हो तभी व्यूज ज्यादा आते हैं। राजगढ़ में तीन चुड़ैलों का साया था। ओह माय गॉड, चुड़ैल राजा से बहुत डरती थी। ओके, तो राजमहल के आसपास नहीं भटकती थी। ओके, एक बार महल में आग लग जाती है, किसी तरह राजा बच जाता है। राजा गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास जाता है और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया। पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ, मैं तो हिमालय घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, समझ गया। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ, मैं आग कैसे लगा सकती हूँ, मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि कौन सी चुड़ैल ने आग लगाया है, कैसे। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? ओके, लेट्स थिंक। हाँ तो सोच। शकीरा नाम है, अरे वाह, चुड़ैल का नाम शकीरा, गरिमा और समीरा। ठीक है, तो ये वाली जो थी ये कहती मैं हवा की चुड़ैल हूँ और मैं छुट्टियों पे गई थी। ये वाली भी है, ये भी कहती कि मैं पानी की चुड़ैल हूँ और मैं भी घूमने गई थी। इसने भी बोला मैं भी घूमने गई थी। मेरे को ना ये वाली चुड़ैल पता नहीं क्यों लग रही है, मैं उसका रीजन बताता हूँ। देखो, इसका झाड़ू हैरी पॉटर अगर तुमने देखी है तो ये हैरी पॉटर वाले झाड़ू जैसा है, तो इसका झाड़ू उड़ने वाले झाड़ू जैसा लग रहा है।
ब्रूम स्टिक जो होती थी हैरी पॉटर में, लेकिन इसका झाड़ू तो एक्चुअली सफाई वाला झाड़ू लग रहा है। कुछ भी आई थिंक शकीरा है क्योंकि उसका नाम शकीरा है, मतलब किसी चुड़ैल का नाम शकीरा, वैसे फिर गरिमा और समीरा भी क्यों, ये अंग्रेजी नाम है और ये दोनों हिंदी नाम है तो इसीलिए शकीरा। कोई सेंस ही नहीं है मेरी बात में। वाकई पर शकीरा ही है इसकी चुड़ैल पक्का, ये शकीरा ने आग लगाई है। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी, फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी, मतलब वो झूठ बोल रही है, उसी ने आग लगाई है। राजा समझ जाता है। ओ मैंने सबसे पहले गरिमा ही बोला था, क्योंकि मैंने बोला था ना गरिमा का झाड़ू चुड़ैलों वाला झाड़ू नहीं लग रहा है तो सफाई वाला झाड़ू लग रहा है, तो यस आई वाज राइट गाइस, वो तो शकीरा तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, बट फर्स्ट आंसर तो मेरा गरिमा ही था, तो आई न्यू इट। मुबारक हो। राजा मथुरा दास के राज्य में चोरी हो जाती है। राजा मथुरा दास 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। ठीक है जी। 5 कहते हैं महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है पिताश्री मेरे पास एक उपाय है, मेरे पास ये जादुई लकड़ी है, ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी, आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं, जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। 5 लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन 5 वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो गई, क्या आप बता सकते हैं लकड़ी छोटी क्यों हो गई, क्योंकि चोर की लकड़ी तो बड़ी होनी चाहिए थी। क्योंकि चोर ने डर के लकड़ी छोटी कर दी, क्योंकि यही चोर है। आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूं, जिससे लकड़ी वापस पहले जैसी हो जाएगी। वो ये नहीं समझ पाया कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी। अबे राजा के बेटे की चतुराई नहीं थी, मेरी चतुराई थी। चोर ने डर के लकड़ी काट ली, यही तो मैंने बोला, यही आंसर था। So we are right. टेनी कोने उसे पकड़ लिया। But this was smart. ये अच्छा तरीका है। अगली बार मुझे भी चोर ऐसे पकड़ना होगा तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। अच्छा अच्छा वेरी गुड। लेट्स गो। दादा गणपत अपने पोते को एक कहानी बता रहे थे। Okay. मैं पहले तिहाड़ जेल में पुलिस वाला था, कोई चोर मुझसे बच के वहां से भाग नहीं पाता था। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। अरे वाह। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की, इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में, क्या आप बता सकते हैं? एक मिनट, हाँ मेरे को फिर से देखनी पड़ेगी। देख पहले वाले ने बोला, लेकिन पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। समझ गया। देखो पहला वाला भागा था सुबह 11 बजे, उसके 12 घंटे बाद दूसरा वाला भागा और तब बज रहे होंगे रात के 11, राइट, यानी कि अंधेरा होगा। लेकिन दादाजी ने क्या बोला ध्यान से सुनो, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया, यानी कि दादाजी झूठ बोल रहे हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला चोर सुबह 11 बजे भागा था, तो दूसरा चोर 12 घंटे बाद, मतलब रात के 11 बजे भागना चाहिए, लेकिन गणपत ने कहा कि वो दिन में भागा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए पोता समझ गया कि दादा झूठ बोल रहा है। वाह वेरी क्लेवर पोता। एंड दैट इज व्हाई आई नेवर फेल इन दीस 99.99% फेल हो जाने वाली रिडल्स, बिकॉज़ आई एम इन दैट 0.01% भारतीय, समझ रहे हो? सो अभी काफी सारी वीडियोस आती रहेंगी, आई होप यू गाइस एंजॉयड, डिफरेंट टाइप का कंटेंट आएगा। लाइक करो इस वाली वीडियो को, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।